हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं। बच्चों का विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर बनता है, जिसे निम्नलिखित 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है गर्भावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड बचपन अवस्था, फोर्थ बाल्यावस्था, फिफ्थ वयस्कसंधि अवस्था और सिक्स्थ किशोरावस्था। जो बालक का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मीन्स किसी भी बच्चे में सर्वप्रथम सामान्य क्रियाओं का विकास होता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। यह विकास मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है मस्तक मुखी से मतलब है विकास में सिर, फिर हाथ, छाती व नीचे का धड़ का विकास होता है। मस्तक मतलब सिर। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र से बाहर की ओर। शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से परिधि की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास एवं सहसंबंध। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में यह सहसंबंध मिलता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहसंबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य विकास के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किए जाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा विकास को व्यक्तिगत भिन्नताओं द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे प्रत्येक बच्चे का विकास समान रूप से नहीं होता, किसी का विकास तेज गति से होता है जबकि कुछ बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है। इसलिए विकास को व्यक्तित्व भिन्नताओं द्वारा भी समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है और कुछ बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास की अवस्था संतुलित और असंतुलित होती है। संतुलित विकास से तात्पर्य जिसमें बच्चे अच्छी तरह से समायोजित कर जाता है। असंतुलित विकास की अवस्था में बच्चे में तनाव, असुरक्षा, अनिर्णय आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो संतुलित से क्या तात्पर्य है, बच्चा जल्दी से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन असंतुलित में क्या होता है, वे स्ट्रेसफुल और अनसेफ फील करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। विकास प्रक्रिया में सततता पाई जाती है। सततता मतलब निरंतरता। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर तमाम उम्र चलती रहती है। गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और जब तक व्यक्ति वृद्धावस्था तक पहुंचता है चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। नोट, विकास की गति में अंतर पाया जाता है। बचपन में विकास तेज गति से होता है जबकि धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है बच्चे का विकास धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की गति में अंतर होता है। विकास प्रक्रिया की गति में भिन्न भिन्न पक्षों को अलग अलग होते हैं, मतलब जो विकास प्रक्रिया की गति है वो भिन्न भिन्न पक्षों पर अलग अलग होती है। पक्ष मतलब कि उनकी स्टेजेस से लिया गया है। लाइक शिशु अवस्था में विकास तेजी से होता है फिर धीरे धीरे होने लगता है। तो यहाँ पे यह डिफाइन किया गया है कि विकास प्रक्रिया की गति भिन्न भिन्न पक्षों पर अलग अलग होती है। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाते हैं, मतलब कि कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो जो विकास की के कुछ अंग है वो अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।